भूखे लोगों का पेट भरने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई खर्च करती, सारी प्रॉपर्टी बेचती। जगदीश लाल आहूजा 80 साल के हैं, पिछले 17 साल से गरीबों को मुफ्त खाना खिलाते हैं। हर रोज करीब 2000 लोगों को खाना खिलाते हैं। चंडीगढ़ में इन्हें लोग कहते हैं लंगर बाबा। जगदीश आहूजा ने कसम खाई है जब तक जिंदा रहेंगे इनका लंगर इसी अंदाज में चलता रहेगा। मेरे बच्चे का जन्मदिन होता था, मैं जन्मदिन नहीं मना सकता, मैं क्या करेंगे, मैं कह रहा हूं खाना बनाओ, सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके सुबह मंडी में बांटेंगे बच्चों को। सारी रात खाना बनाते रहे, जब खाना लेके गए 12 बजे तो 200-150 बच्चे खाना था। यहाँ पर डेली खाना लंगर चलेगा। मेरा मनोई होता था, अब उसकी डेथ हो गई है, वो कहता था कब तक चलेगा, मगर जब तक देती रहेगी चलाते रहेंगे। ऐसा ऐसा बढ़ता 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 2000 बच्चे तक पहुंच गया, तो बस चलता रहा, बस बहुत बड़ी चलता रहा। कि ये लंगर बिना किसी रुकावट के पिछले 17 सालों से लगातार चलता आ रहा है और इसका सारा खर्च श्री जगदीश आहूजा जी खुद उठाते हैं। प्रॉपर्टी भी बेची है उन्होंने, सिर्फ लंगर के लिए बेची है कि यहाँ लंगर चलता रहे। मैं 8-10 साल से लगभग मतलब देख रहा हूँ लंगर, यहाँ पर 32 एकड़ में डेली मतलब लगाते हैं लंगर, और कई लोग मतलब तो कई सौ के हिसाब से लोग लंगर खाते हैं। जी ऐसे आहूजा साहब है, अगर ऐसे और 10-20 भी इंसान हो जाए मेरे गैंग से तो बहुत, एक टाइम रोटी खाता होगा। इसलिए मेरे को दिल में गरीबी से प्यार था, भाई मैं इनके लिए कुछ कर, मेरे को कैंसर भी हो गया था मगर कैंसर मेरा ठीक हो गया। बाकी अब और बीमारियां काफ़ी हैं, कई आप उम्र में आ जाती हैं, वो चलती रहती हैं, मगर मैं छुट्टी यहाँ नहीं करता। जब मैं मरूँ तो पी आई भंडारा बांटते बांटते मर, वहीं मर जाए, वहीं कर जाओ, यही तो मरना मेरी। मैं ये नहीं कहता कि आप भी जगदीश लाल आहूजा बन जाएं, हर कोई तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि खाने की बर्बादी ना करें। हमारी थाली में या शादियों में पार्टियों में होटल्स में जो खाना फेंका जाता है अगर वही बच जाए तो बहुत सारे लोगों का पेट भर जाएगा। और अब